नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबाद से मिलने पहुंचे हुए हैं। यूं तो पीएम मोदी अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान अमूमन मां से मुलाकात करते हैं, लेकिन आज का मौका बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की मां हीराबा आज 100 साल की हो चुकी हैं, और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मां से गांधीनगर स्थित आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हीराबा के 100वें जन्मदिन को खास बनाते हुए गांधीनगर में रायसन पेट्रोल पंप से 60 मीटर सड़क का नाम बदलकर पूज्य हीरा मार्ग रखा जाएगा, यह भी आपको बताएं। तो ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपनी मां हीराबाद से मुलाकात करने। बेहद सादगीपूर्ण वो पहुंचते हैं, हाथ में एक छोटी सी थैली लेकर, शायद उपहार होगा अपनी मां के लिए, क्योंकि आज 100वां जन्मदिन आज मना रही हैं। वो 100 साल पूरा कर चुकी हैं, शतक लगा चुकी हैं, और आज उनके लिए वो तोहफा और उपहार एक छोटा सा लेकर गए हैं। शायद अब थोड़ी देर के बाद तस्वीरें भी आ जाएंगे, लेकिन इसके पहले किस तरह से वहां पर तस्वीरें बेहद अच्छी निकल कर सामने आ रही थी, लोग इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी का। और ये तस्वीर आप देखिए, जब गांधीनगर स्थित जहां पर उनकी मां रहती हैं, उनके छोटे भाई पंकज मोदी के साथ वहां पर देखिए वो पहुंचते हैं। सिर्फ 2 गाड़ियां ही वहां पर पहुंचती हैं, और गोपी घांगर लगातार हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता आप सभी दर्शकों को अपडेट पहुंचा रही हैं वहां पर। गोपी, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं और क्या कार्यक्रम है और क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने देर वहां पर रहने वाले हैं और आगे का कार्यक्रम क्या है? गोपी, आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि उनके घर पर पूजा की गई है। जो पंडित जी है, वो पंडित जी अभी यहाँ से बाहर निकले थे, सबको प्रसाद बांटा उन्होंने, साथ ही उनके भाई जो है पंकज मोदी वो भी घर के बाहर आए थे। जितने भी उनके साथ जो लोग आए हुए, सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उनका मुंह भी मीठा करवाया। यानी जो आज माँ शतायु में प्रवेश की कर रही है, तो इस मौके पर पूजा अर्चना भी की गई है घर के अंदर। घर के अंदर पंडित जी भी पहुंचे हुए थे और पंडित जी के जरिए ये पूजा अर्चना की गई है। हालांकि अब प्रधानमंत्री यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से सीधा वो पावागढ़ की ओर आगे बढ़ेंगे, और पावागढ़ जो है, पावागढ़ में माँ काली के दर्शन करेंगे। माँ काली का जो नया मंदिर है वहां पे पहुंचेंगे, और साथ ही वहां पे ध्वजारोहण करेंगे, जिसके बाद वडोदरा में जो अलग अलग सरकारी योजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे, क्योंकि गुजरात में डेवलप के जो प्रोजेक्ट्स है, गुजरात में इस साल चुनाव भी होना है आशुतोष, तो वैसे में प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं, मैं आपको बताऊं पिछले 9 दिन के अंदर ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का, और अगर बात की जाए पिछले 2 महीने की बात अगर हम करते हैं तो ये 6ठा दौरा है प्रधानमंत्री का। यानी प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं वो लगातार अब गुजरात में बढ़ रहे हैं, और गुजरात जो कि उनका गृह राज्य रहा है, उनके दिल के बेहद करीब रहा है, और यही गुजरात एक विकास मॉडल बना 2014 में पूरे देश के सामने, और इसी मॉडल गुजरात के विकास मॉडल को पूरे देश को दिखाकर उन्होंने देश में सत्ता का हासिल की। तो यहाँ पे जब सवाल खड़े होते हैं, विपक्ष है आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में आई है, चुनावी मैदान में, और लगातार जो विकास मॉडल है प्रधानमंत्री का उस पे सवाल खड़े कर रही है, तो वैसे में उसका जवाब देने भी खुद प्रधानमंत्री ही यहाँ पे आ रहे। अलग अलग विकास की जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण किया जा रहा है, साथ ही कई सारे सारे लोगों से, जो लोग क्योंकि पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री गुजरात में यहाँ पे लोगों के साथ जो उनका 1-to-1 कनेक्शन है हमको दिख रहा है कि वो भी कनेक्शन जो है वो लगातार लोगों के साथ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं तो 2-4 जो लोग रहते हैं वो ऐसे खास रहते हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात होती है। तो संगठन से लेकर हर चीज में अब प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात के अंदर काफी सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, हर किसी से बातचीत हो रही है। जो लोग, जो पाटीदार 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले रूठे हुए थे आशुतोष, पिछले करीब हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने 4 जितनी जो डिजिटल एड्रेस प्रधानमंत्री ने पाटीदारों को किया है, एक कार्यक्रम जो जसदन में पिछले महीने किया गया उसमें प्रधानमंत्री खुद यहां पे आए थे और वो पाटीदारों को संबोधित कर रहे थे। पाटीदारों के एक नया जो ट्रस्ट का अस्पताल था उसको भी उन्होंने शुरू करवाया, उसका लोकार्पण करवाया, साथ ही आदिवासी जो पार तापी लिंक प्रोजेक्ट के वजह से नाराज चल रहे हैं गुजरात में बीजेपी की सरकार से, तो उनके बीच भी प्रधानमंत्री पिछली बार पहुंचे 8 दिन
दिन पहले जब नवसारी पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तब आदिवासियों को मनाने की जो कोशिश है वो की गई थी, और जो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो उनके पानी पीने के पानी की समस्या थी उसको लेकर भी 1800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट का भी उन्होंने लोकार्पण किया। यानी गुजरात के अंदर ये कहा जाता है कि जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री करते हैं उसी का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये सारी जो चीजें अब गुजरात इलेक्शन में एक मुद्दा बनने जा रही है, तो उससे पहले ही उन मुद्दों को वो ऐसा चुनावी मुद्दा न बने इसका प्रयास भी प्रधानमंत्री के जरिए किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के, क्योंकि माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ये जो दौरे हैं वो लगातार अब बढ़ते रहेंगे। गोपी, क्या प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री आज? बिल्कुल बिल्कुल, वडोदरा के अंदर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री के जरिए उस जनसभा को संबोधित किया जाएगा। मातृशक्ति जो स्कीम है उसको लॉन्च किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री की मां का जन्मदिन है, वैसे में मातृशक्ति जो स्कीम है जिसमें जो ट्राइबल और खास करके गाँव की जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं और प्रसूता के बाद जिस तरीके से उनको न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की जो कमी है, तो उनको किस तरीके से पोषण युक्त खाना मिले उसका प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो चुकी है, हो सकता है कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री जो है वो अब उनके भाई के घर से बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं और प्रधानमंत्री जो यहाँ पे ये जो जिन्होंने पूजा करवाई थी जो पंडित जी है वो भी उनके साथ बात करे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा वो जाएंगे राजभवन और वहां से फिर पावागढ़ के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अब जो तस्वीरें हैं वो सारी तस्वीरें आएंगी कि क्या उनके जो माताजी के साथ वाली जो तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे थे वो तस्वीरें अब सारी आएंगी। उनके भाई को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से राजभवन के लिए रवाना होंगे और वहां से फिर करीब 1.5 घंटे का जो उनका पूरा कार्यक्रम है पावागढ़ में वो रहेगा और उसके बाद फिर वो पहुंचेंगे वडोदरा में। वडोदरा में सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो अब यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा यहाँ से हाथ अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकल चुके हैं और सीधा यहाँ से गवर्नर हाउस है वहां पे पहुंचेंगे। 9 बजे के आसपास वो उनको पहुंचना है पावागढ़ में और पावागढ़ पहुंचेंगे। हालांकि इस बार जो है आसपास के जो लोग हैं उनके साथ उनकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि घर के अंदर पंडित जी पहुंचे थे तो पूजा अर्चना की गई है। साथ ही लोगों का जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे थे, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पंडित जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो पंडित जी है वो बाहर आ रहे हैं तो उनके साथ बात करने की कोशिश भी करते हैं कि उन्होंने क्या पूजा करवाई, किस तरीके से उन्होंने ये करवाया, ये बताइए क्या पूजा। देखिए पंडित जी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि घर के अंदर पूजा हुई है। पूजा के बाद यहाँ पे आसपास के कहीं पे इनकी जो इस बार हर बार जो होता है जो बातचीत होती है वो इस बार नहीं हुई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, पूजा हुई है, साथ ही अब वो तस्वीरें आएंगी जिसमें प्रधानमंत्री जो अपने हाथों में थैला लेकर पहुंचे थे उस थैले में क्या था वो आप तोहफा लेकर वो आए थे। निश्चित तौर पर सबको यही इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को उपहार क्या दिया, क्योंकि एक छोटा सा थैला मौजूद था और उसमें निश्चित तौर पर उपहार और कुछ गिफ्ट जरूर होगा और ऐसी उम्मीद ही लगाई जा रही है क्योंकि हमेशा से देखते हैं। और चूंकि बेहद ये खास लम्हा है, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज 100 साल की हो चुकी हैं और इस खास लम्हे पर प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेने पहुंचे गांधीनगर स्थित आवास। और देखिए पीएम जब बाहर निकल रहे हैं, पंडित जी से मुलाकात हुई
कुशल क्षेम पूछा और निश्चित तौर पर पूजा हुई होगी और पूजा के बाद वो निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने माहिरा बेन से मुलाकात की। आज समय जन्मदिन पर यह मुलाकात बेहद खास और ये तस्वीरें किस तरह से प्रधानमंत्री मुलाकात के बाद वो निकल गए राजभवन के लिए, जिस तरह से हमारी सहयोगी गोपी गांगर लगातार बता रही हैं। गोपी, और आगे का कार्यक्रम क्या है इस वक्त, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आगे निकल चुके हैं, अब इसके बाद से राजभवन वो जाने वाले हैं जिस तरह से आप बता रही हैं, और गुजरात बीजेपी ने भी आज खासी तैयारी भी की है क्योंकि पीएम का आगमन वहां पर हो रहा है, काफी जोश देखा जा रहा है निश्चित तौर पर पार्टी के लिए भी, और चूंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव भी है और 21,000 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं आज पीएम मोदी, तो किस तरह की आगे की रूपरेखा है, आज दिन भर किस तरह का कार्यक्रम और शेड्यूल रहने वाला है पीएम का? देखिए, प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा है, प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं, अब यहां से राजभवन जाएंगे और करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो है वो पावागढ़ पहुंचेंगे और पावागढ़ में पूजा अर्चना की जाएगी। करीब 1.5 घंटे का पावागढ़ में पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वडोदरा पहुंचेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री की बातचीत, वडोदरा में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 1.5 लाख जितने जो लोग है वो वहां पे इकट्ठा किए गए हैं, बीजेपी के जरिए कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये पिछले 9 दिनों में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले नवसारी पहुंचे थे, नवसारी में जो पारतापी रिवर्लिंग प्रोजेक्ट है उसके जो नाराज आदिवासी लोग हैं उनके साथ उन्होंने वहां पे उनको जनसभा को संबोधित किया था। कई सारी जो विकास की परियोजनाएं है उसको भी उन्होंने लोकार्पण किया था। साथ ही आज जो लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं प्रधानमंत्री, करीब 21,000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा, साथ ही वर्चुअल जो भूमि पूजन है वो भी किया जाएगा। जो वडोदरा में हाईटेक रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो वडोदरा रेलवे स्टेशन के ऊपर एक नया रेलवे स्टेशन, हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, उसका ई लोकार्पण, उसका जो भूमि पूजन है ई भूमि पूजन वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। मातृशक्ति प्रोजेक्ट जो है गुजरात सरकार का उसका भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई अलग अलग जो स्कीम है उसका लोकार्पण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के जरिए, क्योंकि 2022 में दिसंबर में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के जो दौरे लगातार हो रहे हैं वो जो है वो बताए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं गुजरात के अंदर, और चुनाव है तो चुनाव की वजह से भी प्रधानमंत्री के हर दौरे में कुछ ना कुछ खास रहता है, और खास करके जो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें सामने आ जाए, तो तस्वीरें सामने आएगी तो क्या, क्योंकि हर बार सामने आएगी तो क्या, क्योंकि हर बार तस्वीरें जो है वो वही तस्वीरें रहती है। आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे हीराबा को मिलने के लिए अब पहुंच रहे हैं, तो लगातार आप चाहें तो गोपी आप जा सकती हैं लोगों के बीच और उनसे बातचीत कर सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग अब तस्वीर नजर आ रही है उनके, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से जा चुके हैं और हीराबा आज 100 साल की हो चुकी है तो खास लम्हा है, और निश्चित तौर पर जो लोग भी आसपास रहते हैं वो काफी उत्सुक हैं और वो खुद मिलना चाह रहे थे। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री आए और माता से मुलाकात किया, उन्होंने आशीर्वाद लिया, उसके बाद से निकल गए राजभवन के लिए। पीएम मोदी का साथ ये मिशन गुजरात दौरा भी है, क्योंकि बहुत खास आज दौरा भी है दो वजहों से, एक तो उनकी मां का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन है, और दूसरी तरफ आज गुजरात वासियों को वो तोहफा भी देने जा रहे हैं। 21,000 करोड़ की जो विकास की परियोजनाएं हैं उसके शिलान्यास करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसके पहले वो निकल रहे हैं किस तरह से वो तस्वीरें। आप चाहें गोपी तो जाइए और लोगों से भी बात करिए किस तरह से क्या खास आज रहने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर आज बेहद खास पल न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी मां के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए। तो पीएम मोदी का आज मिशन गुजरात दौरा है, क्या कुछ आज रहने वाला है जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं। देखिए वडोदरा में 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का भी शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी इलाकों के लिए पोषण सुधा योजना की लॉन्चिंग भी करने वाले हैं पीएम मोदी। रेलवे से जुड़ी हुई 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी
शुभारंभ होगा आज ही और 7,250 करोड़ के पालनपुर मदार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी उद्घाटन और गेज परिवर्तन के बाद 166 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद बोथाद रेल खंड का शुभारंभ।